नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तरी फिशन और उनके उत्तर वैकल्पिक रूप में। तो अभी तक हम लोग 300 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। 301 क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया? तो इसमें याद रखना है आपको, इल्तुतमिश ने। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका दूसरा, आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया था? तो याद रखना, अकबर ने। आगरे का लाल किला किसने बनवाया? अकबर ने। क्वेश्चन है तीसरा, क्या है तीसरा क्वेश्चन? इंदिरा पॉइंट स्थित है आपका अंडमान निकोबार में, ठीक है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है चार, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में स्थित हैं। क्वेश्चन है पाँच, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? ये आपकी कोलकाता में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है तीसरा, सॉरी छठवा, मुसम्मन बुर्ज स्थित है ये आपका आगरा में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है सात, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली आपकी केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आठ, चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है नौ, महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? महरौली लौह स्तंभ आपका नई दिल्ली में है, ठीक है? क्वेश्चन है दस, क्वेश्चन कौन सा? दस, भारत में आज्ञा सैनिकों का स्मारक कहाँ है? ये आपका इंडिया गेट। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है ग्यारह, निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधि निर्माता कंपनी नहीं है? तो सियोरॉन नहीं है, ठीक है? निकोलस पीरामल है, पीरामल, फाइजर, जाइडस कैडिला, ये तीनों हैं, लेकिन डी ऑप्शन सियोरॉन नहीं है। क्वेश्चन है बारह, क्या है सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? सबसे बड़ा उपनिषद आपका वेदारण्य को उपनिषद स्थित, ठीक है? डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है तेरह, क्रिकेट का मेलबोर्न स्टेडियम किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन है आपका चौदह, कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? अमेरिका में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है पंद्रह, अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं? सुनीता विलियम्स। क्या है? सुनीता विलियम्स, ठीक है? आगे है आपका सोलह क्वेश्चन, क्या है सोलह? शेर शाह का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कौन था? शेर शाह का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी था हुमायूं। कौन था? हुमायूं। क्वेश्चन है आपका सत्रह, क्या है? सत्रह, प्राथमिक चट्टान है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का परिणाम है होती हैं? तो याद रखना, ठोसीकरण। किसका? ठोसीकरण का। क्वेश्चन है अठारह, क्या है अठारह? क्वेश्चन अठारह है, उन यौगिकों को जिनके अणु सूत्र समान होते हैं किंतु भौतिक गुण भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो याद रखना, इन्हें कहते हैं समावयवी, ठीक है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका उन्नीस, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है? तो याद रखना, राजस्थान। क्वेश्चन है आपका 20, किस देश की सरकार ने 2 दशक पहली बार वेस्ट बैंक सेटलमेंट को मंजूरी दी है? तो याद रखना, इजराइल। क्या होगा? इजराइल। क्वेश्चन है आपका 21, नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव का उद्घाटन निम्न में से किसने किया? तो ये किया था प्रणब मुखर्जी ने, ठीक है? क्वेश्चन है आपका
22 अमेरिकी सीनेट ने नाटो में शामिल करने के लिए किस देश को मंजूरी प्रदान की थी? ये थी मॉन्टेनेग्रो। क्वेश्चन है आपका 23, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय थे। क्वेश्चन है आपका 24, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन है आपका 25, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खान थे, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 26, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन है आपका 27, होम रूल लीग का संस्थापक कौन थे? होम रूल लीग का संस्थापक थे आपके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 28, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन है आपका 29, हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी, ठीक है सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 30, विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? विश्व भारती के संस्थापक रविंद्रनाथ ठाकुर थे, टैगोर, ठीक है। क्वेश्चन है अपना 31, कौन सा है 31, रहनुमाई मज दयासान सभा के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 32, साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है सर सैयद अहमद खान थे, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 33, थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत आपकी एनी बेसेंट ने की थी, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 34, वेद समाज के संस्थापक का नाम बताएं? तो याद रखना है केसरी धारालु नायडू, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 35, क्वेश्चन है 35, गदर पार्टी को किसने संस्थापित किया? तो याद रखना है हरदयाल ने, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 36, शांति निकेतन की शुरुआत किसने की थी? शांति निकेतन की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने की थी। क्वेश्चन है 37, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम बताएं? खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम है अब्दुल गफ्फार खान, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 38, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आपके सर सैयद अहमद खान, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 39, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? याद रखना है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन है आपका 40, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एन एम जोशी साहब, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 41, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक आपके मोतीलाल नेहरू और सीआर दास थे, क्या है ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 42 खाकसार पार्टी के संस्थापक का नाम बताना है अपने, तो इसमें अल्लामा मसरीकी, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 43, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक का नाम बताएं? तो ये थे अल्लाह बख्स, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 44, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है?
तो आपको बता देना है कोयम्बटूर को। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 45, किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति को जल्दी पार कर देगी। तो ये थे आपके माल्थस। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 46, इनमें से किस राज्य सरकार ने संचार सुपर एक्सप्रेस का निर्माण करने की घोषणा की है। तो याद रखना महाराष्ट्र ने। ए ऑप्शन सही है। दिल्ली की राजकीय भाषा है, दिल्ली की राजकीय भाषा है हिंदी। क्या है? हिंदी। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 48, दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है। दिल्ली का राजकीय पक्षी है गौरैया। क्वेश्चन है आपका 49, दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है। दिल्ली के पूर्व में आपका उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथौरा भी कहा जाता है। तो यह पृथ्वीराज चौहान साहब को। ठीक है, क्या है? बी ऑप्शन सही है। अब है आपका 51, क्या है? मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया था 1526 में, पानीपत का युद्ध हुआ था ना 1526 में तभी। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध याद रखिए 1526 में हुआ था। क्वेश्चन है 52, दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था। तो ये था आपका आराम शाह। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 53, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किस शासक ने करवाया। तो याद रखना अल्तसमस या इल्तुतमिस ने। ठीक है, क्वेश्चन है 54, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तुगलक वंश का संस्थापक था ग्यासुद्दीन तुगलक। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपको 55, निम्न में से किस शासक ने सोने चांदी के बदले तांबे के सिक्के चलाए थे। मोहम्मद तुगलक ने। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 56, तैमूर लंग ने दिल्ली का पर आक्रमण कब किया। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन है आपका 57, निम्न में से लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 58, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडरों पर दीन पनाह नगर किसने बसाया था। हुमायूं ने। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 59, किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया। तो ये था आपका अकबर। क्वेश्चन है आपका 60, क्या है? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली व आगरा को जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये था आपका हेमू। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 61, दिल्ली में किस मुगल शासक द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। दिल्ली में किस मुगल शासक द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ये था आपका शाहजहां। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 62, निम्न में से कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं है। तो याद रखना नवभारत टाइम्स नहीं है, बाकी तीनों है, इंडियन, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसमें डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है 63, क्या है? 63, निम्नलिखित में से किसको पहले ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। तो ये था आपका इंडिया गेट को। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 64, 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था। तो याद रखना मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 65, आदर्श उत्पादन की संकल्पना को किसने आर्थिक कल्याण का सूचक माना है। पेगू ने। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। 66, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। परमाणु
ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में हुआ था। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? तो ये आपका सारगासो सागर। क्वेश्चन है 68, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को बार बार पार करती है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को पार करती है? कॉन्गो। क्वेश्चन है आपका 69, शक संबत का प्रथम मास कौन सा है? महीना चैत। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 70, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखना M.N. Roy। क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 71, क्या है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन किस शहर में होता है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन आपका झांसी में होता है। कहाँ? यूपी के झांसी में। क्वेश्चन है 72, अरब सागर में गिरने वाली नदी है माही। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 73, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर बांध आपका चंबल नदी पर है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 74, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। क्वेश्चन है आपका 75, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 76, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 77, होली कब मनाई जाती है? होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। क्वेश्चन है 78, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है आपका सड़क योजना से। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप सफ़ेद महाद्वीप कहलाता है? अंटार्कटिका। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 80, कर्क रेखा दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी आपकी माही नदी है। सी ऑप्शन सही है। 81 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, कौन सा है इनमें से? हैजा आपका होता है, टाइफाइड भी होता है, पीलिया भी तो है, हेपेटाइटिस नहीं होता है। इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 82, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो फर्न में फूल नहीं होते हैं। ठीक, तीनों में होते हैं, कटहल में भी होते हैं, आर्किड में होते हैं, गुलर में। बी ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन है आपका 83, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो याद रखना 7 दिन। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 84, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? कत्था बनाने हेतु खैर की लकड़ी का प्रयोग होता है। किसका? खैर का। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 85, में वही रिपीट हो गया था। ठीक है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? नारंगी। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 87, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 88, ग्रैंड ट्रंक रोड सड़क की योजना किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 89, दलाल स्ट्रीट आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 90,
तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है तो ये आपका NI। क्वेश्चन है आपका 91, निम्नलिखित में से किसने ऋषि आंदोलन चलाया था, तो ये थे शेख नूरुद्दीन, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 92, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शेख आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन है आपका 93, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है, शूद्र का, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 94, गुप्तकाल के किस शासक को कविराज कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 95, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की, तो याद रखना 1799 में, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 96, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, तो याद रखना 1942 में, 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। क्वेश्चन है 97, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया, 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन है 98, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, संक्षेप में गहरी बात करना। क्वेश्चन है 99, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा, महात्मा गांधी ने, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 400, आधुनिक पंचायत राज व्यवस्था के जनक किसे माना जाता है, राजीव गांधी जी को, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 401, किसने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा, जवाहरलाल नेहरू साहब ने। क्वेश्चन है 402, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 403, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, सर सैयद अहमद खान ने, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 4, यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया, तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 5, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई, 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 6, बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवक पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा, राजा राम मोहन राय का, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 7, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्वेश्चन है 8, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, ऑपरेशन जीरो जीरो आवर, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 9, 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी, हंसा मेहता, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो ये थे आपकी मैडम क्यूरी, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 11, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है, यूनेस्को, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 12, साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन सी है, आशा पूर्णिमा देवी, कौन है, आशा पूर्णा देवी, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 13, भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया,
सी भारत रत्न, ठीक है, पुरस्कार सी राम गोपालाचारी को। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 14, मैग्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके विनोबा भावे। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 15, इसरो द्वारा हाल ही में विकसित सबसे तेज भारतीय सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा बनाया गया था? तो ये था सागा 220। क्वेश्चन है आपका 16, क्या है सार्वत्रिक रुधिर प्रदाता है? तो ये है आपका ओ, वर्ग ओ, ब्लड ग्रुप ओ। क्वेश्चन है 17, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 18, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना लाला लाजपत राय ने। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 19, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद किया था? तो ये थे आपके अब्राहम लिंकन। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 20, इनमें से कौन सा जंतु कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ है? तो याद रखना डोडो। याद रखिए ये थे आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित 420 क्वेश्चंस, ठीक है।